घटनाएं उनके कार्यकाल के दौरान हुई। वहीं इंडिया न्यूज और सीएनएक्स के चुनावी सर्वे में एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 113 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार गुजरात में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, इस बार उसे 3% वोटों का नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस को 67 सीटें मिल सकती हैं और उसे 4% वोटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज और सीएनएक्स के सर्वे में इस बार हिमाचल में बीजेपी की बड़ी जीत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 68 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस हिमाचल की सत्ता से बाहर हो जाएगी, उसे महज 21 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजे में जिस तरह से बीजेपी को काफी बढ़त है, हमारे साथ हेमा मालिनी जी हैं। हेमा जी, किस तरह से देखती हैं इतनी बड़ी जीत की ओर? जीत की ओर ही नजर आ रही है। डेफिनेटली 100% हमारी जीत होगी, किसकी कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, किसको आप जीत की, जो प्रधानमंत्री सीधे तौर पर लीड कर रहे थे कंपनी? प्रधानमंत्री जी ने इतना जो मेहनत खुद किया है उसके ऊपर से उन्होंने काम भी इतना अच्छा किया है देश के लिए, उसकी वजह से डेफिनेटली हमारी जीत होगी। अच्छा, राहुल गांधी भी जोर लगा रहे थे? जोर लगाया, लेकिन शायद जोर लगाने में थोड़ी कमी रह गई होगी, थोड़ा और जोर लगाना है। एक आखिरी प्रश्न, राहुल गांधी कल जो है औपचारिक रूप से अध्यक्ष हो जाएंगे, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको। 2019 आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि आप गुजरात के बाद 2019? हाँ जी, डेफिनेटली श्योर ठीक रहेगा बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए अच्छा ही रहेगा, जो हमारी जो गुजरात में हमारी जरूर जीत होगी, उसकी वजह से हमेशा जीत होगी। तो ये थी हेमा मालिनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गुजरात का असर पूरे देश में होगा। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर साहब, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, लग रहा है बीजेपी जो है दोनों ही प्रदेशों में, हिमाचल और गुजरात में, आप लोगों की रणनीति सफल रही? एग्जिट पोल से तो पता चला कि देश का मूड क्या है, लेकिन अब तो रिजल्ट ही आ रहे हैं तो जश्न और मनेगा। नहीं, पर जश्न और मनेगा, पर आप मानते हैं कि जो रणनीति थी बीजेपी की वो पूरी तौर पर सफल रही? बीजेपी ने हमेशा लोगों की राजनीति ही की है।